चलिए फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे लर्न टुगेदर विथ आरआर सर। ठीक है, और फिर से जुड़े हैं आप पहली बार हमारे साथ, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस समझने के लिए बेटा पहले हमको समझना पड़ेगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम बना रहे हैं, मान के चलते हैं स्लाइम वाटर। स्लाइम वाटर में क्या लेंगे हम लोग? तो सॉल्यूट के रूप में लेंगे साल्ट और सॉल्वेंट के रूप में लेंगे वाटर। ठीक है, तो ये स्लाइम वाटर जो हो गया एक प्रकार से सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि हम लोग साल्ट ले रहे हैं और वाटर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें वाटर भर लिए, दोनों में वाटर बराबर लिए हैं, और इसमें हम दिए हैं 2 स्पून और इसमें दिए हैं 4 स्पून साल्ट। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि इसमें 2 चम्मच दिए, इसमें 4 चम्मच चीनी या नमक कुछ भी डिजोल्व करना चाह रहे हैं, तो ज्यादा कंसंट्रेट कौन लगेगा? ए और बी में ज्यादा कंसंट्रेटेड ऑब्वियस है कि बी लगेगा, क्योंकि इसमें सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, सॉल्वेंट दोनों में बराबर है। ठीक है, इसी को दूसरे लहजे में ऐसा बोला जा सकता है कि भाई इसमें सोल्यूट ज्यादा है तो साफ साफ दिख रहा है। ऐसे भी कहा जा सकता है ना कि इसमें सोल्यूट कम है या फिर इसमें सॉल्वेंट कम है। कह सकते हैं कि नहीं कि इसके रेस्पेक्ट में इसमें सॉल्वेंट कम है। ठीक है, कैसे कह सकते हैं? तो इसमें जितना पानी लिए उस हिसाब से 2 चम्मच हम लोग नमक दिए, इसमें उतना ही पानी लिए और 4 चम्मच नमक दे दिए, तो सॉल्यूट तो ज्यादा दिख रहा है हमको, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इसमें सॉल्वेंट भी कम है। अगर इसका सॉल्वेंट डबल कर दें हम लोग तो दोनों का रेस क्या हो जाएगा? दोनों आइसोटोनिक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बराबर करने का 2 तरीका हमारे पास है, या तो सॉल्यूट का अमाउंट कम कर दिया जाए या तो सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दिया जाए, यही 2 तरीका होता है ना। ठीक है, या तो हम लोग नमक कम कर दें या तो फिर पानी का मात्रा बढ़ा दें, तब दोनों बराबर रूप से नमकीन या बराबर रूप से मीठा हो जाएगा अगर चीनी डिजोल्व करते हैं तब। ठीक है, तो इस आधार पे एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है और एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये 3 प्रकार का सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं भाई 1 2 3 को। ठीक है, एक बना दिए हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक बना दिए हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक बना दिए हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात यह है कि हाइपरटोनिक किसको बोलेंगे? हाइपरटोनिक मींस वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो। हाइपरटोनिक मींस वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, और आइसोटोनिक मींस वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बराबर मात्रा में हो। अब अगर हम लोग कम या ज्यादा का बात कर रहे हैं बाबू, मतलब वी आर कंपेयरिंग विद समथिंग, कुछ से तो तुलना किया जा रहा है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर बोला जाए कि ये जो लाइन है ये लाइन बड़ा है कि छोटा है, तो आप नहीं कह सकते बड़ा है या छोटा है। वही बगल में एक और लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि इसकी तुलना में वाई की तुलना में एक्स जो है ना वो छोटा है, या एक्स की तुलना में वाई बड़ा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग बोलते हैं बड़ा या छोटा, हाइपर या हाइपो, मीन्स वी आर कंपेयरिंग विद समथिंग। तो बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी में हम लोग कंपेयर करेंगे हमेशा किसी सेल के साथ। तो एक एक सेल इसमें डाल देते हैं, कौन सा सेल लेते हैं? तो एक अंडा ले लेते हैं। ठीक है, अंडा एक सेल है, एक एक सेल है, तो उस एक के ऊपर जो कवच होता है उस कवच को हम लोग डिजोल्व कर देते हैं एसिटिक एसिड में डालकर के, वो डिजोल्व हो जाएगा। तो ऊपर का कवच अगर निकल जाता है तो अंदर में उसका मेम्ब्रेन बचा हुआ रहेगा और एक इंटैक्ट एक रह जाएगा हमारा, तो उस एक को हम लोग सोल्यूशन में डाल देंगे, एक हाइपरटोनिक में, एक हाइपो में और एक आइसोटोनिक में। हाइपर कब बोलेंगे? जब इस सॉल्यूशन का जो बाहर में सॉल्यूशन लिया गया है ना, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इस एग के कंसंट्रेशन से ज्यादा हो। ठीक है, हाइपो कब बोलेंगे? जब बाहर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इस एग के कंसंट्रेशन से कम हो। आइसो कब बोलेंगे? जब इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एग के कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट हो, बराबर हो। ठीक है, चलिए आते हैं यहां पर हाइपरटोनिक में। यहां पर क्या है? यहां पर सोल्यूट ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है, तो दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि सॉल्वेंट इसका अमाउंट क्या है? कम है, कहा जा सकता है ना। हम लोग बोले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा कंसंट्रेटेड। ज्यादा कंसंट्रेटेड कब होगा? जब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा इस एक की तुलना में। और दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि सॉल्वेंट का अमाउंट कम है इस एक की तुलना में, यानी कि एक के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है और यहां पर सॉल्वेंट के रूप में क्या है? यहां पर सॉल्वेंट के रूप में है वाटर।
तो एक के अंदर है वाटर ज्यादा और एक के बाहर है वाटर कम, और ऑस्मोसिस के डिफ्यूजन के हिसाब से वाटर कम मॉलिक्यूल हायर से लोअर कंसेंट्रेशन के होता है। तो एक के अंदर ज्यादा है और बाहर में कम है, तो एक का वाटर धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर बाहर निकलता है ना पानी, तो बाहर पानी निकलने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस, ठीक है। तो एक्सोस्मोसिस किस प्रकार के सोल्यूशन में होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। वैसे ही चलते हैं हाइपरटोनिक में। हाइपोटोनिक कहने का मतलब फिर से लेस कंसंट्रेटेड, लेस कंसंट्रेटेड कहने का मतलब सोल्यूट, लिख लीजिए यहां पे, सोल्यूट का अमाउंट क्या है, कम। सोल्यूट कम, इसका मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। सॉल्वेंट का अमाउंट किधर ज्यादा है, बाहर में, किसकी तुलना में, तो इस एक की तुलना में, यानी कि बाहर में पानी ज्यादा है, सॉल्वेंट के रूप में क्या है, वाटर है, बाहर में पानी ज्यादा है और एक के अंदर है पानी कम, ठीक है। कंसंट्रेशन का बात कर रहे हैं, अमाउंट का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो ऑब्वियस बात है ऑस्मोसिस के डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, तो वाटर का मूवमेंट होगा सेल के अंदर। अंदर के लिए हम लोग इंडो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा ऑस्मोसिस हो जाएगा बाबू, इंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इंडो ऑस्मोसिस किस प्रकार के सोल्यूशन में होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होता है इंडोस्मोसिस, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होता है एक्सोस्मोसिस। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक कहने का मतलब क्या हो गया, बराबर, यानी कि सोल्यूट का कंसंट्रेशन इक्वल, यानी कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इक्वल। जब कंसंट्रेशन दोनों का इक्वल है, तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, यहां पे भी सॉल्वेंट ग्रुप में क्या रहेगा, वाटर, तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल नॉट अकर, मींस नो मूवमेंट अकर्स, वाटर का मूवमेंट नहीं होता। किस प्रकार के सॉल्यूशन में, तो ये होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो यहां पे हम लोग देखिए ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। और ये समझने के लिए हम लोग सॉल्यूशन को समझे, सॉल्यूशन को जो समझे, देखिए कि वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, एक का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, एक का घटेगा तो दूसरे का बढ़ेगा, ये चीज हम लोग पहले समझ लेंगे। उसके बाद देखें कि तीन प्रकार के सॉल्यूशन संभव हैं, या तो सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उस सेल की तुलना में जिसका स्टडी कर रहे हैं, या तो कम कंसंट्रेटेड होगा उस सेल की तुलना में जिसका स्टडी कर रहे हैं, या तो बराबर कंसंट्रेटेड होगा उस सेल की तुलना में जिसका स्टडी कर रहे हैं। अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यानी कि सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, इसका दूसरा मतलब हुआ कि सॉल्वेंट का अमाउंट कम है बाहर में। अगर बाहर में सॉल्वेंट कम है, तो ये बाहर निकल गया वाटर और हो गया एक्सोस्मोसिस। इसमें हाइपोटोनिक है तो सोल्यूट का अमाउंट कम है, यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट बोल दी सॉरी कंसंट्रेशन बाहर में है ज्यादा, बाहर में है ज्यादा, तो ये सॉल्वेंट चला जाएगा अंदर, यानी कि वाटर का मूवमेंट होगा अंदर की ओर, जिसके लिए बॉडी इस्तेमाल किया एंडोस्मोसिस एंड रिकर्सिव हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे चूंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इक्वल है, बराबर है विथ रेस्पेक्ट टू एक, सो देयर नो मूवमेंट ऑफ वाटर विल अकर इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको हम बोल देते हैं, आप उसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में आकर के, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आकर के। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि एक मछली, ठीक है, एक फिश है, तो फिश कहाँ की है, तो एक फिश मान लेते हैं, तो एक फिश है, एक मछली है, ठीक है, जो ये फिश है फ्रेश वाटर की, ठीक है, फ्रेश वाटर फिश है, जिसको हम लोग डाल दिए हैं कहाँ, सलाइन वाटर में, फ्रेश वाटर फिश को हम लोग सलाइन वाटर में डाल दिए हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये देते हैं एक। चलिए दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई इस प्रकार से एक दूसरी मछली लिया जाता है, मछली का हम बना रहे नहीं रहे हैं फोटो, और ये जो मछली है ना बाबू, ये जो मछली है ये है सलाइन वाटर की, समुद्री मछली है, सलाइन फिश है ये, और इस सलाइन फिश को जो डाल दिया गया है वो हम डाल दिए हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है, फ्रेश वाटर में। तो ये कंडीशन हो गया बी, तो कंडीशन ए, कंडीशन बी, किस कंडीशन में एक्सोस्मोसिस होगा, किस कंडीशन में इंडोस्मोसिस होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप हमको बताएंगे, ताकि हमको पता चले कि आपको इंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक फ्रेश वाटर फिश को लेते हैं और सलाइन वाटर में डाल दिए, समुद्र के पानी में डाल दिए, तब इंडोस्मोसिस होगा या एक्सोस्मोसिस होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। बी, क्वेश्चन बी में क्या किया, तो सलाइन फिश को लिए, सलाइन वाटर में जो रहती है, समुद्र में जो मछली रहती है उसको लिए और उसको फ्रेश वाटर में डाल दिए, गंगा के पानी में डाल दिए, ठीक है। तो कंडीशन बी में एक्सोस्मोसिस होगा या इंडोस्मोसिस होगा,
अगर आप समझ चुके हैं इस प्रोसेस को तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप हमको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज ये टॉपिक आप लोग का हुआ कंप्लीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हमेशा बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, तो इसको बार बार समझना है, रियलाइज करना है, अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप आंसर करेंगे, झटके में आंसर आप कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने समाज, अपने राष्ट्र का ख्याल रखिए। जय हिंद।